जी हाँ नमस्कार दोस्तों, कोलकाता की टीम ने हैदराबाद की टीम को 61वें मुकाबले में 54 रन से करारी हार दी है और केकेआर की जीत है। हैदराबाद की हार के बाद आखिरकार कैसे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है, कौन सी टीम कौन से नंबर पर आ चुकी है और अब कौन सी वो फाइनल टीमें होंगी जो कि आप सभी को आईपीएल 2022 के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखाई दे सकती है। तो पूरी पॉइंट्स टेबल की डिटेल जानकारी एक एक टीम के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी केकेआर की जीत से खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपके अनुसार कौन सी वो चार टीमें होंगी जो कि इस साल आईपीएल 2022 में क्वालिफाई करेंगी। तो आप अभी अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में पूरी पॉइंट टेबल की डिटेल जानकारी को देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आईपीएल 2022 के 61वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का सामना सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ हुआ, जहां आज के इस मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ केकेआर के कप्तान सुरेश अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस मुकाबले में आंद्रे रसल की 49 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर कोलकाता की टीम ने 177 रन बनाए थे, जबकि जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट खोकर 123 रन ही बना पाई और 54 रन की हार के साथ ही की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी काफी तगड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आज केकेआर के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आई। तो वहीं आज के इस मुकाबले में हालांकि अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद के लिए 43 रनों की काफी अच्छी पारी खेली, लेकिन अन्य कोई भी बल्लेबाज आज टीम का साथ निभा ही नहीं पाया और निकोलस पूरन जो कि खतरनाक इस मुकाबले में खेलने चाहिए वो 2 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं राहुल त्रिपाठी का एक बार फिर से फ्लॉप शो जारी रहा, जहां राहुल त्रिपाठी 9 रन पर ही आउट हुए और वहीं वॉशिंगटन सुंदर 4 रन, शशांक सिंह 11 रन और ऐसे करते करते ही हैदराबाद की टीम के एक के बाद एक 8 विकेट गिर गए और ये 8 विकेट गिर जाने के बाद पूरी की पूरी हैदराबाद की टीम को काफी बड़ा झटका लग चुका है। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां लग रहा था कि पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद की टीम अभी भी काफी ज्यादा मजबूत है और वो आगे तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन दोस्तों ये हम सभी की उम्मीदें काफी ज्यादा गलत अब साबित हो चुकी हैं। दरअसल आप अगर नजर डालोगे पॉइंट्स टेबल में तो हैदराबाद की टीम अब सीधा बड़ा झटका खाकर निचले पायदान पर आ गई है। दरअसल आइए अब आपको पूरा पॉइंट्स टेबल समीकरण दिखाते हैं कि आखिरकार केकेआर और हैदराबाद की टीम के बाद पॉइंट्स टेबल क्या कहती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी यहां पर पॉइंट्स टेबल में देख सकते हो कि जो पहले नंबर पर टीम बनी हुई है वो अभी भी गुजरात टाइटंस की टीम है, जहां गुजरात की टीम ने 12 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 9 मैचों में इनको जीत मिली है और 3 मैचों में इनको हार का सामना करना पड़ा और 0.376 के नेट रन रेट के साथ ही 18 पॉइंट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है और पहली टीम बनी थी जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी करी। तो वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आती है, जिसने 12 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 8 मैचों में जीत मिली है, 4 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 16 पॉइंट्स के साथ ये दूसरे नंबर पर है। तो वहीं तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जहां राजस्थान की टीम ने 12 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 7 में इनको जीत मिली है, 5 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 14 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पर है। तो वहीं चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आती है, जहां बैंगलोर ने 13 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 7 मैचों में जीत मिली है, 6 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 14 पॉइंट्स के साथ ये चौथे नंबर पर है। तो वहीं पांचवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम आती है, जहां दिल्ली की टीम ने 12 मुकाबले खेले हैं, 6 में इनको जीत मिली है, 6 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 12 पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्थान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगली टीम के बारे में, जो अगली टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां दोस्तों इस मुकाबले में 54 रन से जीतने के बाद कोलकाता की टीम 13 मुकाबलों में से 6 मैचों में जीत हासिल कर चुकी है और 7 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 12 पॉइंट्स के साथ ये अभी भी छठे नंबर पर है। तो वहीं दोस्तों सातवें नंबर पर निकल कर आती है पंजाब किंग्स की टीम, जहां पंजाब की टीम ने 12 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 6 में इनको जीत मिली है, 6 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 0.023 के नेट रन रेट के साथ 12 पॉइंट लेकर पंजाब की टीम सातवें नंबर पर है। तो वहीं दोस्तों बात करें आठवीं टीम के बारे में, जो दोस्तों आठवीं टीम निकल कर आती है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां हैदराबाद की टीम को बड़ा झटका लगा है और वो सीधा छठे स्थान से नीचे गिरकर आठवें नंबर पर आ गई है और हैदराबाद की टीम ने 12 मुकाबलों में से 5 मैच जीते हैं और 7 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट्स के साथ ये 8वें नंबर पर है। तो वहीं बात करें नौवीं टीम के बारे में, तो दोस्तों जो नौवीं टीम निकल कर आती है वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहां चेन्नई की टीम ने 12 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 4 में इनको जीत मिली, 8 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 8 पॉइंट्स के साथ ये 9वें नंबर पर है। तो वहीं बात करें दसवीं टीम के बारे में, जो दसवीं टीम निकल कर आती है वो है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां मुंबई की टीम ने 12 में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल किया और 9 मुकाबलों में इनको हार का सामना करना पड़ा है और इनका नेट रन रेट भी काफी ज्यादा बेकार है,
और 6 पॉइंट्स के साथ ये 10वें नंबर पर आती है। तो ऐसे में दोस्तों यही था पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण जो अभी आपने देखा, और आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि हैदराबाद की हार के बाद काफी बड़ा झटका उनकी टीम को लगा है, जहाँ हैदराबाद की टीम के अब प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस भी काफी ज्यादा कमी अब हम सभी को दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है आज की ये पॉइंट्स टेबल देखने के बाद, और आप क्या मानते हो कि हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में अभी भी क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आईपीएल 2022 के 61वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का सामना सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ हुआ, जहां आज की इस मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ केकेआर के कप्तान सुरेश अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। तो वहीं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने आंद्रे रसल की 49 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए और अब हैदराबाद को जीत के लिए 178 रन बनाने थे। हालांकि दोस्तों हैदराबाद के लिए 178 रन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। दरअसल हुआ ये कि जब मैदान पर केकेआर की टीम उतरी थी तो नीतीश राणा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको उमरान मलिक ने अपनी गेंद पर शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया और नीतीश आज 26 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं फिर तीसरा बड़ा झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में केकेआर की टीम को लगा, जो कि 28 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। हालांकि इस दौरान उन्होंने 3 छक्के लगाए थे। तो वहीं ये 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद हर किसी को उम्मीद थी कप्तान सुरेश अय्यर और सैम बिलिंग से। हालांकि दोस्तों यहां पर ये दोनों बल्लेबाज भी अपनी पारी को आगे लेकर जा नहीं पाए। दरअसल उमरान मलिक ने पहले तो सुरेश अय्यर को 15 रन के स्कोर पर ही आउट किया, तो वहीं सैम बिलिंग्स 34 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ वहीं दोस्तों इस दौरान सबसे अच्छी गेंदबाजी रही उमरान मलिक की, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 33 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए। हालांकि दोस्तों ये 3 बड़ी सफलताएं मिल जाने के बाद फिर हैदराबाद की टीम जब मैदान पर उतरी तो यहां पर दोस्तों हैदराबाद की तरफ से आज ओपनिंग करने के लिए आए अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन, जहां आज के इस मुकाबले में शुरुआती कुछ ओवरों में तो ये दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आउट होने के बाद फिर महिपाल लोमरोर मैदान पर बल्लेबाजी खेले आए और पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने बताया कि वो आज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों उनकी बल्लेबाजी भी आज अच्छी रह नहीं पाई। दरअसल महिपाल लोमरोर तीसरी गेंद पर ही ऋषि धवन की शिखर धवन को कैच थमा बैठे, तो वहीं महिपाल लोमरोर 6 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।